अनुभव देती है, लेकिन बहादुरी और साहस उम्र के बंधन से परे है। ये साबित किया है मुरैना के रहने वाले अद्रिका और उसके भाई कार्तिक ने। 10 साल की उम्र में जब बच्चे खेलने कूदने में मस्त रहते हैं, उस समय अद्रिका और कार्तिक ने लोगों का दर्द महसूस किया। इन्होंने समाज सेवा और साहस की वो मिसाल पेश की जिसके लिए 2019 में राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित किया। उन्हें बहादुरी और समाज सेवा के लिए नेशनल चिल्ड्रन अवार्ड से नवाजा गया। वो 2 अप्रैल 2018 का दिन था। ग्वालियर चंबल अंचल में दलित आंदोलन की हिंसा भड़क रही थी। मुरैना जिले में भी हिंसा और दहशत का माहौल था। डर के मारे लोग घरों में कैद थे। उपद्रवियों की भीड़ जहां तहां हिंसा और मार काट मचाने को उतारू थी। कई जगहों पर पथराव हो रहा था। आंदोलनकारियों ने रेल की पटरियों पर कब्जा कर लिया था। कई ट्रेनें रेलवे स्टेशन पर खड़ी हो गईं। इन ट्रेनों में हजारों लोग फंस गए। हजारों यात्री भूख प्यास से बेहाल थे। 10 साल की अद्रिका और उसका भाई कार्तिक अपने घर टीवी पर ये सब देख सुन रहे थे। इनका घर स्टेशन के ठीक सामने था। बहन अद्रिका ने भाई कार्तिक से कहा कि हमें कुछ करना चाहिए, ट्रेन में फंसे लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। फिर दोनों ने तय किया कि हम इनकी मदद करेंगे। दोनों भाई बहन ने घर से ही खाने पीने का सामान इकट्ठा किया, एक थैले में सामान भरा और माता पिता को बताए बिना चल पड़े पटरियों की तरफ। जब दोनों रेलवे स्टेशन पहुंचे तो पुलिस वालों ने उन्हें रोका और कहा कि यहां से चले जाओ, जान का खतरा है। लेकिन अद्रिका और कार्तिक तड़पते लोगों की मदद करने की ठान चुके थे। दोनों अलग अलग रास्ते से होते हुए किसी तरह ट्रेन पर जा पहुंचे। अद्रिका ने बताया कि हम भी डर रहे थे, लेकिन फिर सोचा कि कुछ गलत नहीं कर रहे तो डरना किस बात का। ट्रेन में फंसे यात्री बुरी तरह डरे हुए थे। शुरू में उन्होंने डिब्बे के गेट भी नहीं खोले, लेकिन जब देखा कि दो छोटे बच्चे कुछ खाने का सामान लाए हैं तो उनकी जान में जान आई। जो भी सामान वो घर से लाए थे वो सब यात्रियों में बांट दिया। इस बीच अद्रिका और कार्तिक के माता पिता भी उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। दोनों को वहां से चलने के लिए कहा, लेकिन बच्चों ने घर जाने से मना कर दिया, बल्कि अपने पापा से कहा कि घर में जितना भी खाने पीने का सामान है सब ले आओ, हम इन्हें यहाँ भूख प्यास से तड़पते नहीं छोड़ सकते। पिता को भी बच्चों की बात माननी पड़ी। वे घर गए, खाने पीने का सामान जुटाया और आसपास के लोगों के साथ फिर स्टेशन पहुंच गए। जो पुलिस ऑफिसर्स थे उन लोगों ने रोका क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, लेकिन हम लोगों ने उनको रिक्वेस्ट की कि हम कोई हेल्प करने जा रहे हैं, तो उन लोगों ने हमको अलाउ कर दिया। और फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और देखा कि जो पैसेंजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो विंडोज़ तक खोलने को तैयार नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके खोला और हमसे जो सामान था वो लिया खाने पीने का। फिर जब उनको हम पे ट्रस्ट हो गया फिर उन्होंने अपने दरवाजे खोले और फिर हम लोगों ने अंदर जाके सारा खाना डिस्ट्रीब्यूट किया। मेडिकल हेल्प थी, मेडिकल हेल्प भी प्रोवाइड करी, पानी भी दिया जो कि उनके पास कुछ नहीं था। और साथ में न्यूज़ भी चल रही थी कि ना उनकी पूरी खाने की जो ट्रंक है वो खाली हो गई है और भूखे हैं कितने टाइम से, क्योंकि ट्रेन रुकी पड़ी है, पटरी टूटी हुई है। तो उसने मुझसे कहा कि चलो हम चलते हैं, कुछ कोशिश करते हैं कि शायद हमसे कुछ मदद हो जाए, किसी अनजाने में हम मदद कर दें। तो हमारी जैसे कि जॉइंट फैमिली है तो हमने पूरा सामान जो होता है, पैकेट्स, टेट्रा पैकेट्स, फर्स्ट एड किट्स, वाटर बॉटल्स और जो खाने की रोटी पूड़ियाँ बनती हैं, सब्जी, इन सबको हमने इकट्ठा करके बैग में रख के गए थे। और जो तंगी हो रहे थे तो उनके बीच हम पुलिस के बीच से निकल के और फिर ट्रेन में और फिर उनको सामान दिया था। शुरुआत में वो गेट नहीं खोल रहे थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं कोई दंगा वाला भी नहीं आ जाए साथ में। अद्रिका और कार्तिक के पिता अक्षत गोयल ने बताया कि वो दिन हम कभी नहीं भूल सकते। बिना बताए दोनों बच्चे स्टेशन चले गए। आसपास के लोगों ने हमें बताया कि आपके बच्चे स्टेशन की तरफ गए हैं। फिर हम भी स्टेशन की ओर भागे। हमने देखा कि दोनों बच्चे अलग अलग डिब्बों में यात्रियों को खाने पीने का सामान दे रहे हैं। मैंने कहा कि अब घर चलो तो अद्रिका और कार्तिक ने आने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पापा घर में खाने पीने का जो भी सामान है सब ले आओ। फिर हमें भी लगा कि दोनों बच्चे नेक काम कर रहे हैं तो इनका साथ देना चाहिए। आंदोलन की आग ठंडी हुई तो लोगों को अद्रिका और उसके भाई कार्तिक के बारे में पता चला।
अलाउ करने पे इन्होंने जब वहाँ पे ये जो काम किया था, काम करने के बाद में मेरे पास प्रशासन के ही आदमियों को कई लोग भागे भागे आए थे कि तुम्हारे बच्चे स्टेशन पे ऐसी कंडीशन में देखे गए हैं। मैं जल्दी भाग कर गया तो वहाँ पे देखा था कि एक बच्चा एक ट्रेन की बोगी में कर रहा है, दूसरा बच्चा उसी ट्रेन की दूसरी बोगी में है। तो फिर कैसे भी करके इनको जब मैंने डांट लगाई कि बिना कही कैसे आ गए, आना था तो हमारे साथ आना था, तो इन्होंने ये वाली चीज़ बोली कि नहीं पापा हमें नहीं पता, आप और सामान लेके आइए। और सामान लेके आने के बाद में जब दुकानें वगैरह सब बंद थी तो गोडाउन वगैरह से हमने संतरे की पेटी, केले वगैरह, ये जो भी चीज़ होती हैं, पानी के पाउच वगैरह, ये सब कलेक्ट करे। इनकी चूंकि इच्छा थी, बच्चों को मैंने कभी भी डिमोटिवेट शुरू से ही नहीं किया। देश भर में उनके साहस और सेवा भाव की चर्चा होने लगी, कई जगहों पर लोगों ने उनका सम्मान किया। धीरे धीरे उनकी चर्चा राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। 24 जनवरी 2019 को उन्हें राष्ट्रपति भवन में समाज सेवा के लिए राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 26 जनवरी को उन्हें विशेष परेड में भी शामिल किया गया। इसके बाद तो 10 साल की अद्रिका और उसके भाई कार्तिक की बहादुरी और समाज सेवा की खबरें मीडिया की सुर्खियां बन गईं। मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और यहां तक कि बॉलीवुड के कई फिल्मी कलाकार भाई बहन को सम्मानित कर चुके हैं। नेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम आ चुका है। अद्रिका की चर्चा सात समंदर पार भी हो रही है। उन्हें लंदन में राजकुमारी डायना की स्मृति में स्टैंडिंग फॉर हीरो फ्रॉम इंडिया के सम्मान से नवाजा गया है। अद्रिका शुरू से ही हिम्मत वाली रही है। जब वो महज 3 साल की थी तो एक हादसे में उसके दोनों पैर बुरी तरह से झुलस गए थे। अद्रिका की माँ भी इस घटना में 60% जल गई थी। आसपास के लोग हौसला देने की बजाय तरस खाने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि अब ये बच्ची कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगी। तब अद्रिका के पिता ने कहा कि उन्हें नॉर्मल नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है। इसके बाद अद्रिका ने ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। मेरे दोनों पैर जल गए थे। उसके बाद मेरी मदर जो है वो डेली एडमिट थी क्योंकि वो भी लगभग 60% बर्न हो गई थी। तो जब मेरे पेरेंट्स 2 महीने बाद घर पे आते हैं तो कई लोग उससे पहले मुझसे बोल रहे थे कि ये तो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती क्योंकि मेरे पैर जल गए थे तो चलना मुश्किल था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने जब मम्मी पापा से पूछा कि नॉर्मल लाइफ क्या होती है तो पापा ने बताया कि सही कह रहे हैं, वो नॉर्मल लाइफ नहीं जीना है, अब हमको एक्स्ट्रा नॉर्मल लाइफ जीनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जीनी है। अपने आत्मविश्वास और जुनून से अद्रिका अपने पैरों पर फिर से खड़ी हुई। अद्रिका ने 7 साल और 11 महीने की उम्र में ब्लैक बेल्ट हासिल किया। अब वो सेल्फ डिफेंस के लिए दूसरों को मोटिवेट कर रही हैं। वो अब तक करीब 10,000 स्कूली बच्चों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे चुकी हैं। अद्रिका को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है। अद्रिका की कामयाबी और भी स्पेशल हो जाती है क्योंकि वो ऐसे शहर और अंचल से आती है जहाँ लड़कियों के प्रति लोगों की सोच काफी संकुचित है। ऐसे में अद्रिका की इच्छा शक्ति और मजबूत इरादे अंचल की लड़कियों को प्रेरित करते हैं। अनिल गौर, ईटीवी भारत, ग्वालियर।